हेलो किड्स टुडे वील डू चैप्टर नंबर एट ऑफ कंप्यूटर्स ईमेलिंग ईमेलिंग आजकल सबको पता होगा ईमेलिंग क्या होता है हम इसको कॉमनली आजकल यूज़ करते हैं ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक है मेलिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बहुत ही कॉमन सर्विस है आजकल हर चीज़ गूगल पे याहू पे मोस्टली हर जगह आपको ई की वो मिलती है क्या होता है ई मेल ई के ईमेल लोगों को अलाउ करता है मैसेजेस सेंड करने के लिए एक से और दूसरे पर्सन को ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रे ऑमरिंसन इन 1972 1972 में रे ऑमरिनसन एक पर्सन था उसने बनाया उसने इन्वेंट करा था ईमेल को द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ई मेल इज रिलेटिवली सिंपल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है ई मेल के बिहाइंड क्यों काम करना है ऑपरेशन क्यों करना है वो बहुत ही सिंपल है विच इज क्विकली मेड टू द मोस्ट पॉपुलर सर्विस जो बहुत ही सिंपल है और बहुत पॉपुलर हो चुकी है ये सर्विस आजकल और ये इसको इसको करने में ज़्यादा टाइम लगता है बस हमारे पास एक ई मेल अपना गूगल अकाउंट जो होता है ई मेल अकाउंट वो अपना होना चाहिए और फिर आप जिसको चाहो उसकी गूगल अकाउंट से आप अपने उसे सेंड कर सकते हो आप शेयर कर सकते हो और ये सब फ्री होते हैं जो मोस्ट सर्विस हैं मोस्ट कॉमन है वो गूगल और याहू मेल है ये दोनों फ्री हैं और मोस्ट टू ऑफ द मोर पॉपुलर ईमेल सर्विस अवेलेबल याहू और जी मेल सर्विसेज जो हैं वो अब तक पॉपुलर हैं मोस्ट मोर पॉपुलर सर्विसेज हैं और फ्री में है इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती आप फ्री अपना अकाउंट बना सकते हो फ्री सेंड कर सकते हो प्री रिक्वेस्ट फॉर ई मेलिंग क्या क्या चाहिए ई मेलिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन के अलावा हम उनको सेंड नहीं कर सकते ना ही रिसीव कर सकते और हमें एक ई मेल अकाउंट की भी ज़रूरत है ताकि उस ई मेल अकाउंट के थ्रू ई मेल अकाउंट हमारा एक एड्रेस होता है जहाँ पर अगर हम एक कुरियर हम भेजते हैं किसी को तो हम उसमें एड्रेस डालते हैं कि यहाँ जाएगा वरना अगर हम एड्रेस डालेंगे तो किसी को पता चलेगा वो कहाँ जाएगा इसलिए ईमेल अकाउंट में हमारा एक टाइप का एड्रेस है कि ये यहाँ जाना है फॉर पीपल टू रिसीव योर मेल मतलब यहाँ से आया है या यहाँ से यहाँ पर जाना है तो वो उसका एक एड्रेस जाता है एंड ई मेल एड्रेस और अकाउंट टेक्स द फॉर्म ऑफ मेल टू सेमी कॉलन कॉलन मिनी एट द रेट याहू डॉट कॉम मेल टू मेल टू मतलब हमें मेल आया है या मेल हमें करना है वो हो गया मेल टू मिनी मिनी का मतलब होता है सेंडर का नाम आता है यहाँ पे जैसे हमारी गूगल आईडी जो होती है उसमें हमारे यहाँ पे सेंडर का नाम आता है एट द रेट याहू वो याहू पे वो आता है अगर आपने जी मेल में अकाउंट है तो आपका यहाँ जी मेल आएगा रेडिफ मेल बहुत सारे होते हैं हॉट मेल याहू बहुत सारे आप जैसे कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से हमने ये वाली सर्विस ले रखी है ऑल दी साइट आर विच हैव द प्रोविजन फॉर यूजर्स टू मेक द फ्री ई मेल अकाउंट ये सारी साइट्स याहू हॉटमेल रेडिफ मेल जी मेल ये सारी आपकी फ्री साइट्स है जिसमें आप अपना फ्री ई मेल अकाउंट बना सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव एन ई मेल अकाउंट ट्राई द स्टेप्स अगर आप पास ई मेल अकाउंट नहीं है तो फिर आप नीचे वाली स्टेप्स को फॉलो करो और ई मेल अकाउंट बना सकते हो हम बना रहे याहू पर इसमें एग्जाम्पल दिया हो याहू में हम अगर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाए फर्स्ट है कनेक्ट टू द इंटरनेट सबसे पहली चीज़ है कनेक्शन इंटरनेट का जरूर होना चाहिए फ्रॉम द आइकन ये वाला जो आइकन है ऑन डेस्क टॉप विद योर आई एस पीज नेम आई एस पी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेम के ना के थ्रू आप इसको कनेक्ट करें इंटरनेट से और ये वाला साइन आएगा जब आपका इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो साइड में और जब आपका कनेक्ट हो जाएगा दोनों तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में से ये स्क्रीन होती है जो ये जो स्क्रीन होती है यहाँ पे जो टास्क बार होता है नीचे यहाँ पे आता है आपका साइन इंटरनेट का तो ये होता है कि आप हाँ कनेक्टेड हो चुके हो इंटरनेट से और ये साइन मतलब होता है कि आपका मॉडर्म भी अब काम कर रहा है मॉडर्म क्या था जिससे हमें नेट मिलता है अपने सिस्टम्स पे नेक्स्ट आता है वंस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और यू आर ऑनलाइन ओपन द वेब ब्राउजर एंड टाइप इन मेल याहू डॉट कॉम और यू कैन टाइप याहू डॉट कॉम एंड प्रेस एंटर अब आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हो तो अब अपना वेब ब्राउज़र खोलो वहाँ पे टाइप करो या तो आप मेल याहू करो सीधे या फिर आप सिंपल याहू पे जाओ जब आप याहू पे जाओगे तो आपको याहू का होम पेज मिलेगा फिर वहाँ पे जाके आपको मेल की जो एक सर्विस जो साइट होगी वहाँ पे जाना क्लिक करना पड़ेगा उस लिंक पर उससे आप याहू मेल पर एंटर कर सकते हो और अगर आपने मेल याहू करा है तो वो आप सीधे उसके वहां पे जाके पहुँच सकते हो और आपको ये आ जाएगा ये होता है उसका मेल अकाउंट में ठीक है फिर हम यहाँ पे करेंगे इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे आता है ये क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आता है ये वाला तो इस पर आप क्लिक करो बिकॉज इसी के द्वारा ही आप अपना मेक अ न्यू अकाउंट आप इससे ही अपना नया अकाउंट बना सकते हो once you click click on either of the two places where create new account is written the site will open a page for you as shown in the given figure अगर आप एक बार isko click kar doge जो ये आपको create new account है तो आपके ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको कुछ उसके आपके बाद में इनफॉरमेशन होंगी जो आपको अपने फिल करनी पड़ेंगी फिर क्लिक the sign me up link in the first box फिर आपको साइन मी अप करना पड़ेगा एंड फ्रॉम दिस वेब पेज यू एंड द वेब पेज विच हैज़ द शाइन अप फॉर्म हम यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन इन करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे पहले उसके बाद फिर आपका ये जो ऑप्शन आएगा फिर यहाँ पे अपने अकाउंट फिल करके आएगा साइन अप फॉर्म ये आपका एक साइन अप फॉर्म आता है तो मतलब ये है कि अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आपके लिए साइन इन करोगे ठीक है तो ये हम जब बस अब हमारे पास अकाउंट नहीं होता है तो हमारे पास ये आता है तो हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिसमें आपको पहले क्रिएट नहीं होगा फिर अपनी फ, 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 जो आपका ये साइन इन का ये जो आएगा ये पेज साइन अप फॉर्म इस पर आप क्लिक करो और फिर आपका ईमेल आईडी बन जाएगी याहू आई डी इज़ द नेम दैट कम्स बिफोर इतना याहू आई डी अगर आपने बनाई है आई डी ए बी सी डी जैसे एक लड़का है एक बच्चा है उसने बनाई है ए बी सी डी के नाम से तो उसकी होगी ए बी सी डी एट द रेट याहू डॉट कॉम ये उसकी नेम आता है जो अब आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें आप जो भी अपनी आई डी का नाम लिखना चाहते हो जैसे इसमें लिखा है मेल टू सैम एट द रेट याहू डॉट कॉम ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है

तो आप जब भी अपने अकाउंट में लॉग इन करते हो तो दोबारा से तो आपको वो पासवर्ड जो है वो फिर से उसमें डालना होगा तब आपकी आईडी खुल सकती है मतलब ये मान लो कि जो याहू आईडी है वो एक लॉक है और जो इसका पासवर्ड है वो एक की है ठीक है वंस यू फिल अप द फॉर्म एंड सबमिटेड अब आपने एक बार फॉर्म खोला और उसको सबमिट कर दिया इट विल टेक यू टू एनेदर वेब पेज इफ़ यू आर स्टिल स्टिंग इन स्कूल तो याहू साइट विल आस्क यू टू गेट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स अब आ, क्या होगा अब एक एनेदर वेब पेज होगा तो इसमें अगर आप पढ़ अभी स्कूल में पढ़ रहे हो तो याहू साइट आपसे परमिशन मांगेगा कि आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लें फिर ही गूगल अकाउंट बनाएं नेक्स्ट है शो दिस पेज टू योर पेरेंट्स एंड फिल इन द यूजर नेम एंड द पासवर्ड इन द दिस्पेक्टिव बॉक्स एंड क्लिक ऑन साइन इन फिर आप ऐसा बॉक्स जो आएगा यहाँ पे यहाँ पे अपनी आईडी का नाम लिखो जो आपको रखनी है और फिर यहाँ पे पासवर्ड अपना जो आप लगाना चाहते हो या आपका जो है फिर वो यहाँ पे आके फिर आप इसको साइन अप कर सकते हो वन साइन अप हो जाएगा आपको एक फिर ठीक है फिल वंस यू साइन इन यू विल अगेन गेट द साइन अप फॉर्म फिल इट एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन इट विल अगेन टेक यू टू द साइन अप पेज ऑन वेयर यू बिगेन फिल इन द यूजर नेम पासवर्ड क्लिक ऑन साइन इन तो जैसे आपने अपनी आईडी बना ली उसके बाद आपका देखो साइन अप फॉर्म आया पहले वो आपने भर दिया फिर वो आपने सबमिट कर दिया फिर उसके बाद आपका आएगा साइन इन पेज ये वाला इसमें आप अपनी यूजर नेम डालो जो आपने अभी डिसाइड करा था पासवर्ड डालो जो आपने डिसाइड था और आप साइन इन करो आपकी आई खुल जाएगी वंस यू आर साइन इन यू विल सी देज चेंजिंग टू एनी दैपेजो विल बी डिंग टू अनईक्वल पेज और जब आपकी खुल जाएगी तो आपकी कुछ ये बॉक्स खुलेगा अनईक्वल पेन में दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा जैसे एक तो ये होगा आपका जो आपको क्या चाहिए ड्राफ्ट एंड ये सारे और एक होते हैं क्या क्या आए हैं गए हैं वो जो आपके पास आए हैं वो सारे मेल्स द पेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी नैरोअर देन वन ऑन द राइट हैंड साइड ऑब्वियसली आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो है जो आपका पेन वो विल बी नैरो वो कम होगा नैरो होगा एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ़ फोल्डर्स देयर आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी मेल अकाउंट बीट याहू हॉटमेल और द लिंक लाइक तो लेफ्ट पेन जो है ये वाला ये आपको वही हर जगह सेम ही मिलता है इसमें लिस्ट ऑफ फोल्डर्स होते हैं जैसे इसमें है इनबॉक्स है ड्राफ्ट है सेंट है फिर स्पैम्स है फिर ट्रैश है फिर माय फोल्डर आता है ऐसे करके ये आपके फोल्डर्स होते हैं जो आपको खोलना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो और ये हर जगह सेम होती है आप चाहे अब याहू खोलो हॉटमेल खोलो लाइक खोलो जी खोलो हर जगह यही आता है द फोल्डर कंटेन्स फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ मेल्स दैट यू रिसीव और जो लेफ़्ट होता है उसमें आपकी जो फो फाइल्स होती हैं जो आपने जो आपको किसी ने सेंड करी है रिसीव करी है जो जहाँ से आपने फिर आता है इनबॉक्स इनबॉक्स इज लाइक द मेल बॉक्स ऑफ योर होम इनबॉक्स ये आपका एक मेल बॉक्स होता है होम का जैसे हर एक वेबसाइट का एक होम पेज होता है वैसे ही आपका इनबॉक्स का भी एक mail, inbox भी होम पेज होता है मेल का जस्ट लाइक द पोस्टमेन पुट्स मेल इन योर मेल बॉक्सर्व पुट्स द मेल इन योर इनबॉक्स वेटिंग फॉर यू टू ओपन द मेल ये होता है हमारा इनबॉक्स ये ये चीज जिसमें आपके जैसे पोस्टमैन मेल्स डालता है हमारे मेल्स बॉक्स में वैसे ही जो मेल सर्वर होता है वो आपको इस इनबॉक्स में डालता है ताकि जब भी आप आओ जब भी अपनी आईडी में लॉग इन करो तो आपको ये रहे ये आपको पता चल जाए कि ये आपको रिसीव हुए हैं और आपको ये चेक करने हैं फिर तो आप इनको खोल के देख सकते हो दिस इज द फोल्डर वेयर यू इनिशियली सी ऑल द मेल्स दैट यू रिसीव बेसिकली इनबॉक्स एक वो फोल्डर होता है जहाँ पे आप वो सारी मेल्स देख सकते हो जो आपको रिसीव हुई हैं टू गो टू इनबॉक्स यू कैन इधर क्लिक ऑन चेक मेल इन द लेफ्ट पेन और गो टू इनबॉक्स इन द राइट पेन या इनबॉक्स में जाने के लिए या तो आप सीधे चेक मेल पे ऑप्शन पे जाओ आपको मिलेगा नहीं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेन में गो टू इनबॉक्स आपका आता है वहाँ पे क्लिक कर दो आपका हो जाएगा तो बस आपको मैंने ये थ्री पेजेस आज पढ़ाए हैं और ये आपको घर पे थॉरली पढ़ने हैं रिवाइज करने हैं अच्छे से और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं सो so, आप इनको रीड ज़रूर करेगा तभी आपको आगे का अच्छे समझ आएगा सो दैट्स ऑल फॉर डे थैंक यू